तो आपका स्वागत है हमारे चैनल MM व्लॉगर के अंदर। आपने हमारी पुरानी वीडियो शाही महल की देखी होगी। तो आज हम लोग आए थे काला ताजमहल ब्लैक फोर्ट घूमने के लिए। ये ये जो जो महल महल है है इसका गेट भी हम लोगों को ये ओपन करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोई आता नहीं है। बट काफ़ी अच्छा लगा। अब हमने हमारी लाइफ में वाइट ताजमहल तो नहीं देखा है भाई लोग, लेकिन आज हम काला ताजमहल जो हमारे नज़दीकी शहर बुरहानपुर में हैगा वो हम देखने के लिए आए थे। अब हमको ही गेट भी ओपन करना पड़ रहा है, उसके बाद रिटर्न गेट भी हम ही को लगाना पड़ेगा। देख सकते हैं आप, बस एक बात तो थी, ये जो महल के अंदर हम जब आए काफ़ी अच्छा लगा था। जब गेट लगाने गए तो मतलब अंकल अंदर चिल्लाए थे, गेट खोला है तो गेट बंद भी करो भाई लोग, अंदर आने की तुम्हें इतनी जल्दी है क्या? तो फिर हम लोगों ने गेट को बंद करा। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ थोड़ा, और हम आपको बताते हैं काले ताजमहल की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब, जीवन में हमने ताजमहल तो नहीं देखा, लेकिन हम हमारे नज़दीक बुरहानपुर में काला ताजमहल था, वो देखने आ गए हम। ये देखिए, सिर्फ हम ही देख रहे हैं और कोई नहीं है। और कोई नहीं है दिख रही भाई, है काफ़ी खंडर हो गई है वो भी। चलो आप अंदर चलते हैं और अंदर जाके बताते हैं काला ताजमहल। चलिए भाई साहब, ओफो क्या व्यू आ रहा है। चलो इस पे कुछ। तो यहाँ पर आने के बाद दोस्तों सबसे पहले जाते हैं जो अंकल बैठे हो, जिन्होंने हमको गेट बंद करने की सलाह दी थी, वो गेट खुलवाने की सलाह दी थी बैठे बैठे। इनसे जाके अपन एंट्री कराते हैं। अंकल का नेचर बहुत अच्छा था, उन्होंने बहुत सी बातें हमें बताई है जो हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे। और जो भी होता है इस वीडियो में, आप बने रहे वीडियो के अंदर। और चलिए अब थोड़ा सा बाहर का नज़ारा देख के अंदर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ओहो माशाल्लाह क्या बना हुआ है। ब्लैक फोर्ट, ये जो मकबरा है, जो ब्लैक ताजमहल है, ये जहांगीर के सेनापति जो है उसके सेनापति के लिए बनवाया था। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत है। पहले ये बना हुआ है, उसके बाद ताजमहल बनाया गया है। पहले ये इमारत है इसलिए इसको ब्लैक ताजमहल कहते हैं। ये देखिए, ये उनकी कब्र है। और आपको पता है ये अपने इस्लाम के अंदर ही ऊपर तो ऊपरी कब्र है, जो मेन कब्र है कि वो नीचे के साइड में है, तल के अंदर, वहाँ भी आपको ले जाते हैं नीचे के साइड में हम। ये देखिए, वाओ बहुत ही शानदार। ये देखो मुगल कालीन नक्काशी, ये काफ़ी खूबसूरत होगा उस टाइम में। खैर, इसकी देखभाल नहीं इमारत की, इसलिए ये भी ध्वस्त होते जा रही है धीरे धीरे करके। ये चलो आपको नीचे की तरफ लेके चलते हैं। साइड से भी इसका रास्ता है, यहाँ गार्डन भी बना हुआ और बैक साइड में भी कुछ है। ये देखिए अति शानदार, यहाँ से आने का रास्ता है, फिर इधर से निकलो, फिर एक छतरी टाइप में बना हुआ है ये, फिर यहाँ से निकलो, चारों तरफ इसका गार्डन है। और इस साइड में शायद चार तक मस्जिद टाइप या कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, या महल कुछ क्या है ये सामने की तरफ। ये देखिए, ये मंजिल भी पूरी खंडर हो चुकी है अब तो। चलो यहाँ भी घूम लिया, अब आपको नीचे की साइड लेके चलते हैं हम, जो मेन नहीं। चलो नीचे चलते हैं। चलिए, ये जो काला ताजमहल है, जो दरगाह है उसका जो बैक साइड नीचे है, वहाँ से ये देखो साइड से नीचे से रास्ता इसका जाने का। यहाँ का भी गेट हमको ही खोलना है और अंदर भी हमको ही जाना है। ये भाई साहब खोल लिया है हमारे मोहसिन भाई। मेरा अंदर आप ले चालू करो, रुको मोबाइल दे देता हूँ आपको। मोबाइल का कर लेना चाचा, नीचे दिक्कत तो नहीं ना कोई? मोबाइल चालू कर लें। हाँ हाँ हाँ, इसका भी चालू कर लें। अरे ऐसे हो जाएगा, अरे तू आगे चलना, पीछे चलना, मोबाइल देना, मैं तेरी बना रहा हूँ। खुशबू नहीं आई? अरे है ना, ले ले मोबाइल। ये देखिए, ये नीचे की साइड में जा रहे हैं, यहाँ से रास्ता है, छोटा सा गेट है। अस्सलाम वालेकुम।
ये देखिए, ये मेन जो है, ये कब्र है इनकी, मेन मेन नीचे पर मकबरा बना हुआ है बस। तो ये जो आप झरोके देख रहे हैं, इसके अंदर हल्की हल्की ऊपर से उजाला आता है, मतलब जब भी धूप टाइप निकलती है तो उजाले की झलक आती है। अब हल्का सा दिख रहा होगा, हमने बाद में फ्लैश बंद करके देखा था, एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाए हम लोग, नहीं तो आपको बताते। यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ पे इन्होंने पूरा क्लियर दिख रहा था उसके अंदर से। अब यहाँ तो यहाँ दारू उत्पाती हमने कर लिया है और यहाँ से हम निकल रहे हैं। बहुत छोटा सा रास्ता है यहाँ से, ये देखिए झुक के जाना पड़ेगा। अब यहाँ से बाहर हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, बैक साइड से हम लोग निकल चुके हैं। अब यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और गेट पे ताला लगाते हैं। अब जो भी लोग आएंगे वो यहाँ पे खोल के स्वयं जाएंगे। आप लोग भी आइएगा यहाँ पे हमारा ब्लॉग देखने के बाद। बाकी आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें।